All right, so मृणाल जी, गुड टू सी यू. बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं आप, वाइट ड्रेस. एंड थोड़ा सा आज के बारे जो ये हाइजीनिक डे है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए एंड क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि एक एक्टर बात करता है तो वो बातें बहुत दूर तक जाती हैं. जी जी और आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि विस्पर के साथ मैं आज यहाँ पर आपके साथ वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे सेलिब्रेट कर रही हूँ. और हमारे लाइफ में वो कहते हैं ना, हमेशा एक चैप्टर जो मिसिंग होता है, दिस दिस मिसिंग चैप्टर जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ. इनफैक्ट मुझे पता चला, यू नो, व्हेन आई वाज डूइंग माय रिसर्च, जब मैं विस्पर टीम के साथ बैठी थी तो दे टोल्ड मी दैट यू नो हर पांच में से एक लड़की को अपना स्कूल छोड़ना पड़ता है बिकॉज दे आर नॉट इक्विप्ड विद सैनिटरी प्रोडक्ट्स और दे एंड अप मिसिंग आउट ऑन देयर स्कूल, ड्रॉप आउट हो जाती है. इनफैक्ट 7 out of 10 मदर्स डोंट नो अबाउट जो बायोलॉजी ऑफ पीरियड्स होती है. तो इसीलिए मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश ताकि ये जो मिसिंग चैप्टर है वो आप तक पहुँचाए और सब आप प्लीज़ आपकी मदद से आप प्लीज़ आगे पहुँचाए और समझाए और एक्सप्लेन करें दैट इट्स नॉट इट्स नॉट डर्टी, इट्स ओके एंड इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल. और दैट्स माई थिंग, यू नो, आई एम जस्ट हैप्पी दैट विथ विस्पर आई एम एबल टू डू दिस, एबल टू टॉक अबाउट दिस. सो थैंक यू सो मच एंड मेक श्योर दैट ये जो मिसिंग चैप्टर है आप अपनी बेटियों को पढ़ाए बताए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये मिसिंग चैप्टर आपके लाइफ में, आपको पता होना चाहिए. स्पेशली ऑल द गर्ल्स आउट देयर हु आर ग्रोइंग एंड जस्ट यू नो दे रियली 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 नीड टू नो अबाउट दिस. एंड आज भी लाइक पीरियड को ऐसे टैबूस माना जाता है बहुत सारी जी बहुत सारी क्या बहुत सारी जगहों पर जी like, बहुत ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते आज भी. एंड स्कूल मिस हो जाता है बच्चियों का, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? यू नो कभी कभी क्योंकि दे डोंट, जैसे कि मैंने कहा, उनके पास सैनिटरी प्रोडक्ट्स नहीं होते, उनके पास कभी कभी टॉयलेट्स एक्सेसिबल नहीं होते. सो दे प्रेफर कि वो चाहते हैं कि वो दे थिंक दैट दे शुड रादर नॉट गो टू स्कूल एंड दे वुड रादर प्रेफर टू जस्ट यू नो बी एट होम. बट बिकॉज ऑफ यू नो नाउ यू हैव सो मेनी, यू हैव एक्सेस टू सैनिटरी नैपकिन्स विच रूरल एरियाज में, यू नो काफ़ी एरियाज में, काफ़ी स्कूल्स में बच्चियाँ दे आर नॉट इक्विप्ड विद ऑल दीज फैसिलिटीज आउट देयर. तो या आई जस्ट लॉस्ट ट्रैक ऑन क्वेश्चन कि लाइक बच्चों को टैबूज या करेक्ट स्टिग्मा है, काफ़ी सारे स्टिग्मा है. वो कहते हैं कि ड्यूरिंग योर पीरियड्स यू कांट प्ले, आप स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते. आई थिंक अ वुमन कैन डू एवरीथिंग, दे शुड जस्ट बी एक्सेसिबल टू यू नो सैनिटरी नैपकिन्स और नो इट शुडन्ट बी अ टैबू एनीमोर. आपके साथ की कोई ऐसी लाइक मेमोरी है बचपन में एंड या कुछ भी? यू नो क्योंकि मैं स्पोर्ट्स काफ़ी खेलती थी और आई वॉज इन टू अ फुटबॉल टीम, तो मेरे लिए एक फुटबॉल टीम बनाना, फॉर्म करना वॉज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि काफ़ी कम लड़कियाँ वुड ऑप्ट फॉर फुटबॉल एंड दे ऑल वुड से ये तो बॉयज़ का गेम है, ये लड़कियों का खेल नहीं है. एंड आई वुड वंडर वाई नॉट. सो लेटर आई रियलाइज यू नो सम हाउ वी ऑल केम टुगेदर, बट 11 प्लेयर्स में से 12 प्लेयर्स में से यू नो एक मिसिंग हो जाता था एंड आई वुड वंडर कि वाई आर यू नॉट कमिंग. फिर बाद में पता चलता था दैट दे वुड एंड अप मिसिंग देयर स्कूल्स यू नो बिकॉज ऑफ पीरियड्स. सो आई हैव टू फील लाइक रियली आई डोंट वॉन्ट देम टू मिस आउट ऑन ऑल दीज थिंग्स. बट यू नो व्हेन आई वॉज ग्रोइंग अप और मुझे ऐसे सेशंस होते थे हमारे लाइक क्लास, सो आई हैव चेंज लाइक 11 स्कूल्स. सो कपल ऑफ स्कूल्स आई हैड लाइक दिस सेशंस विथ विस्पर जहाँ पे लड़कियों को एजुकेट किया जाता था, बताया जाता था कि किस तरह ड्यूरिंग पीरियड्स यू नो यू हैव टू यूज अ सैनिटरी नैपकिन विच इज़ हाइजीनिक एंड यू नो ऑल दीज थिंग्स. एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप मुझे इन सारे कैंप मुझे ये अवेयरनेस के बारे में ऑलरेडी पता था. एंड आई थिंक विथ विस्पर इज डूइंग दिस कैंप अवेयरनेस फॉर द पास्ट 25 years. So I'm glad I'm
टुडे आई एम एबल टू टॉक अबाउट इट ओपनली. काफ़ी सारी लड़कियाँ फील्स शाई टू टॉक अबाउट इट. क्यों? बट दिस इज़ अ नेचुरल थिंग. इट्स एब्सोल्युटली ओके टू स्पीक अबाउट इट. ओके, लास्टली कुछ कहेंगे अपने फैंस के लिए जिन्हें आपकी फिल्मों का बहुत ही इंतजार होता है एंड आज के ओकेशन? यस, आई सारे फैंस को मैं सिर्फ थैंक यू कहना चाहूँगी फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट. और आज जो वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है, मैं चाहूँगी कि आप अपने आसपास जितनी भी सारी लड़कियाँ हैं उनको एजुकेट करें, उनको इस अवेयरनेस के बारे में बताएं और जस्ट मेक देम फील that you know it's absolutely okay, make the pamp for them and yeah, that's about it. Super, thank you. Thank you so much. Thank you. Okay.